बेफिक्रे 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित किया गया है। इसमें रणवीर सिंह और वाणी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की शूटिंग पेरिस और मुंबई में 50 दिनों की अवधि में की गई थी। यह 9 नवंबर 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर यह औसत रही। निर्देशक आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित कहानी और पटकथा आदित्य चोपड़ा, संवाद आदित्य चोपड़ा, शरद कटारिया द्वारा उत्पादित आदित्य चोपड़ा, अभिनीत रणवीर सिंह, वाणी कपूर, छायांकन का नाम अनोयामा द्वारा संपादित नर्मदा राव, संगीत दिया है गाने विशाल शेखर, बैकग्राउंड स्कोर मिकी मलेक्सी, उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित किया। यशराज फिल्म्स रिलीज की तारीख 9 नवंबर 2016, कार्यकारी समय 132 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 17 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा रचित है और विशाल शेखर के साथ मिक्की मैकलेरी द्वारा निर्मित है। मैकलेरी ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी तैयार किया। मुख्य भूमिका में शाहरुख खान के बिना यह चोपड़ा की एकमात्र निर्देशित फिल्म है। कहानी पेरिस में बेफिक्री की शुरुआत धर्म गुलाटी और सायरा गिल के बीच एक बुरी लड़ाई से होती है, जो अचानक ब्रेकअप की ओर ले जाती है। सायरा धर्म को छोड़ देती है और अपने माता पिता के घर जाती है और उनसे कहती है कि जब तक वे धर्म या उनके ब्रेकअप के बारे में कोई सवाल नहीं पूछते, तब तक वे उसे अंदर आने दें। धर्म करोल बाग नई दिल्ली का रहने वाला और एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरा में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है, जिसके माता पिता भारतीय हैं, लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है, अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है, तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है, जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलतफहमियों और झगड़ों फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं, जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट आर्थर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया। वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला
बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है, जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनिल ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनिल से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और प्लेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है, फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं, जब वे एक क्रम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टीन ने शादी करने का फैसला किया है, जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती, और वह और धर्म प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं। वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं, जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरा से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरा से कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद, जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में, दिल्ली का एक लड़का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में, वाणी कपूर भारतीय मूल के एक फ्रांसीसी पर्यटक गाइड, पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल, एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली अर्डन, धर्म की फ्रांसीसी प्रेमिका। सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा, मेहरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा, नताली के रूप में एलिसा बाचिरबे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी। सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे
इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्री को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्री में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण हैं और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्र व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिक करती है जो यश राज कैंकन का गठन करता है। यह सब वहाँ है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में हैं। बाकी में यह नीरस और परिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ, बेफिक्री को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। राजाश्री ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी, बकवास और समय की बर्बादी सभी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्ण अनुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं, उसे बेफिक्रे के क्रे कहे बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन 130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी बेफिक्रे ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर हो गया। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का शुद्ध संग्रह 602.6 मिलियन
यूएस में 2023 में 870 मिलियन या यूएस में 11 बिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की 2023 में। दुनिया भर में 1.9 बिलियन या यूएस में 23 मिलियन के बराबर, भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, यस में 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया, और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत। पूरा साउंडट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थी। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग। सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 पर आता है नशे सी चढ़ गई रे। इस गीत को गाया अरिजीत सिंह, कैरालिसा मोंटेरो ने। इस गीत की लंबाई 3 मिनट और 58 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है उड़े दिल बेफिक्रे। इस गीत को गाया है बेनी दयाल ने। 3 मिनट और 51 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है जेताई में। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और स्मृति चौहान ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है अब मुझे। इस गीत को गाया निखिल डिसूजा, राचेल वर्गीस ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लंबो का कारोबार। इस गीत को गाया पामोर ने। 3 मिनट और 55 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है खुल के जुल डुल के। इस गीत को होगा है गिप्पी ग्रोवर, हर्षदीप कौर, अंकुर तिवारी और कुणाल गांजावाला ने। 3 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्यार ही कीमत है वाग। इस गीत को गाया है विशाल शेखर ने। 3 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। फिल्म के अंदर साउंड ट्रैक की लंबाई 26 मिनट और 5 सेकंड का ही है। पूरा साउंड ट्रैक है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। पुरस्कार नोवा मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, नशे से चढ़ गई मनोनीत। तो इस गीत में जो है अरिजीत सिंह को मनोनीत किया गया था। बेफिक्रे 2016 की एक रोम भारतीय फिल्म है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरा में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है।
जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलतफहमियों और झगड़ों फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट डेट आर्टर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया। वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनिल ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनिल से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और पैलेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं जब वे एक गरम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टीन ने शादी करने का फैसला किया है जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती और वह और धर्म प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग-अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं, वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरा से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरा से कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में दिल्ली का एक लड़का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में वाणी कपूर भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी पर्यटक गाइड पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली
और डंडधरम की फ्रांसीसी प्रेमिका सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा, मेरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा, नताली के रूप में एलिसा बाचिरबे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी। सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्रे को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्रे में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण है और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्रे व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिक करती है जो यशराज कैंकन का गठन करता है। यह सब वहाँ है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में हैं। बाकी में यह नीरस और परिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ बेफिक्री को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी बकवास और समय की बर्बादी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्ण अनुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं, उसे बेफिक्रे के क्रिक कहे बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन
130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी बेफिक्री ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर हो गया। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का शुद्ध संग्रह 602.6 मिलियन यूएस में 2023 में 870 मिलियन या यूएस में 11 मिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक शुद्ध संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की। 2023 में दुनिया भर में 1.9 बिलियन या यूएस में 23 मिलियन के बराबर भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, इसमें 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत। पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने भी विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थी। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग, सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 पर आता है नशे सी चढ़ गई रे। इस गीत को गाया अरिजीत सिंह, कैरालिसा मोंटेरो ने। इस गीत की लंबाई 3 मिनट और 58 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है उड़े दिल बेफिक्रे। इस गीत को गाया है बेनी दयाल ने। 3 मिनट और 51 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है जेताई में। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और स्मृति चौहान ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है अब मुझे। इस गीत को गाया निखिल डिसूजा, राचेल वर्गीस ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लंबो का कारोबार। इस गीत को गाया पामोर ने। 3 मिनट और 55 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है खुल के जुल डुल के। इस गीत को गाया है गिप्पी ग्रोवर, हर्षदीप कौर, अंकुर तिवारी और कुणाल गांजावाला ने। 3 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्यार ही कीमत है वाग। इस गीत को गाया है
विशाल शेखर ने 3 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। फिल्म के अंदर साउंड ट्रैक की लंबाई 26 मिनट और 5 सेकंड का ही है, पूरा साउंड ट्रैक है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। पुरस्कार, नौवा मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, नशे से चढ़ गई मनोनीत। तो इस गीत में जो है अरिजीत सिंह को मनोनीत किया गया था। बेफिक्रे 2016 की एक रोम भारतीय फिल्म है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरां में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है, जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलतफहमियों और झगड़ों, फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं, जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट आर्थर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया। वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है, जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनिल ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनिल से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और प्लेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है, फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं जब वे एक गरम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टीन ने शादी करने का फैसला किया है, जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती और वह और धर्म प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग-अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं, वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं।
वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं, जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरस से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरस ये कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में दिल्ली का एक लड़का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में वाणी कपूर, भारतीय मूल के फ्रांसीसी पर्यटक गाइड, पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल, एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली अर्डन, धर्म की फ्रांसीसी प्रेमिका। सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा, मेहरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा, नताली के रूप में एलिसा बाचिल्वे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी। सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्रे को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्रे में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण हैं और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्र व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिकी टिक करती है जो यशराज कैंकन का गठन करता है।
यह सब वहां है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में हैं। बाकी में यह नीरस और अपरिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को भी अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ, बेफिक्री को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। रजनी ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी, बकवास और समय की बर्बादी सभी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्वानुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रही हैं, उसे बेफिक्रे बेफिक्रे के क्रिक कहे बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन 130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी बेफिक्रे ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर हो गया। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का शुद्ध संग्रह 602.6 मिलियन यूएस में 2023 में 870 मिलियन या यूएस में 11 मिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक शुद्ध संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की। 2023 में दुनिया भर में 1.9 बिलियन या यूएस में 23 मिलियन के बराबर, भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, इसमें 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत।
पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने भी विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थे। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 पर आता है नशे सी चढ़ गई रे। इस गीत को गाया अरिजीत सिंह, कैरालिसा मोंटेरो ने। इस गीत की लंबाई 3 मिनट और 58 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है उड़े दिल बेफिक्रे। इस गीत को गाया है बेनी दयाल ने। 3 मिनट और 51 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है जेताई में। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और स्मृति चौहान ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है अब मुझे। इस गीत को गाया निखिल डिसूजा, राचेल वर्गीस ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लंबो का कारोबार। इस गीत को गाया पामोर ने। 3 मिनट और 55 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है खुल के जुल डुल के। इस गीत को गाया है गिप्पी ग्रोवर, हर्षदीप कौर, अंकुर तिवारी और कुणाल गांजावाला ने। 3 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्यार एक हिम्मत है वाग। इस गीत को गाया है विशाल शेखर ने। 3 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। फिल्म के अंदर साउंड ट्रैक की लंबाई 26 मिनट और 5 सेकंड का ही है। पूरा साउंड ट्रैक है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। पुरस्कार नोबेल मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, नशे से चढ़ गई मनोनीत। तो इस गीत में जो है अरिजीत सिंह को मनोनीत किया गया था। बेफिक्रे 2016 की एक भारतीय फिल्म, स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरां में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है, जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलत फहमियों और झगड़ों, फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं, जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट डेट अटर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया।
वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है, जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनिल ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनिल से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और प्लेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है, फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं, जब वे एक क्रम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टीन ने शादी करने का फैसला किया है, जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती, और वह और धर्म प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग-अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं। वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं, जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरा से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरा से कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद, जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में दिल्ली का एक लड़का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में वाणी कपूर, भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी पर्यटक गाइड, पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल, एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली अर्डन, धर्म की फ्रांसीसी प्रेमिका। सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा। मेहरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा। नताली के रूप में एलिसा बाचिल्वे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी।
सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्रे को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्रे में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण है और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्रे व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिकी टिक करती है जो इस राज केंकन का गठन करता है। यह सब वहाँ है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में हैं। बाकी में यह नीरस और परिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को भी अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ, बेफिक्रे को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी, बकवास और समय की बर्बादी सभी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्ण अनुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं, उसे बेफिक्रे बेफिक्रे के क्रेक कहे। बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन 130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी। बेफिक्रे ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर होगा। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में
सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का सुप्त संग्रह 602.6 मिलियन US में 2023 में 870 मिलियन या US में 11 मिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक सुप्त संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की 2023 में। दुनिया भर में 1.9 बिलियन या US में 23 मिलियन के बराबर, भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, यस में 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत। पूरा साउंडट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने भी विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थी। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग। सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 पर आता है नशे नशे सी चढ़ गई। इस गीत को गाया अरिजीत सिंह, कैरालिसा मोंटेरो ने। इस गीत की लंबाई 3 मिनट और 58 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है उड़े दिल बेफिक्रे। इस गीत को गाया है बीनी दयाल ने। 3 मिनट और 51 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है जेताई में। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और स्मृति चौहान ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है अब मुझे। इस गीत को गाया निखिल डिसूजा, राचेल वर्गीस ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लंबो का कारोबार। इस गीत को गाया पामोर ने। 3 मिनट और 55 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है खुल के जुल डुल के। इस गीत को गाया है गिप्पी ग्रोवर, हर्षदीप कौर, अंकुर तिवारी और कुणाल गांजावाला ने। 3 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्यार एक हिम्मत है वाग। इस गीत को गाया है विशाल शेखर ने। 3 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। फिल्म के अंदर साउंड ट्रैक की लंबाई 26 मिनट और 5 सेकंड का ही है। पूरा साउंड ट्रैक है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। पुरस्कार नौवें मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, नशे से चढ़ गई मनोनीत। तो इस गीत में जो है अजीत सिंह को मनोनीत किया गया था। बेफिक्रे 2016 की एक रोम भारतीय फिल्म है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरां में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है।
जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलतफहमियों और झगड़ों फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट डेट आर्टर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया। वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनिल ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनिल से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और पैलेस डेट वोसगेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं जब वे एक गर्म चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टीन ने शादी करने का फैसला किया है जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती और वह और धर्म प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं, वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरा से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरा से कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में दिल्ली का एक लड़का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में वाणी कपूर भारतीय मूल के फ्रांसीसी पर्यटक गाइड पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली
और डनडरहम की फ्रांसीसी प्रेमिका सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा, मेहरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा, नताली के रूप में एलिसा बाचिल्वे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी। सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्रे को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्रे में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण है और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्रे व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिक करती है जो यशराज कैंकन का गठन करता है। यह सब वहाँ है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में हैं। बाकी में यह नीरस और परिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को भी अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ, बेफिक्री को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी बकवास और समय की बर्बादी सभी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्ण अनुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रही है, उसे बेफिक्रे बेफिक्रे के क्रिक कहे बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन
130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की पांचवी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी बेफिक्रे ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर हो गया। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का शुद्ध संग्रह 602.6 मिलियन यूएस में 2023 में 870 मिलियन या यूएस में 11 मिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक शुद्ध संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की। 2023 में दुनिया भर में 1.9 बिलियन या यूएस में 23 मिलियन के बराबर भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, इसमें 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत। पूरा साउंडट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थे। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग। सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 पर आता है नशे सी चढ़ गई रे। इस गीत को गाया अरिजीत सिंह, कैरालिसा मोंटेरो ने। इस गीत की लंबाई 3 मिनट और 58 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है उड़े दिल बेफिक्रे। इस गीत को गाया है बेनी दयाल ने। 3 मिनट और 51 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है जेताई में। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और स्मृति चौहान ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है अब मुझे। इस गीत को गाया निखिल डिसूजा, राचेल वर्गीस ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लंबो का कारोबार। इस गीत को गाया पामोर ने। 3 मिनट और 55 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है खुल के जुल डुल के। इस गीत को गाया है गिप्पी ग्रोवर, हर्षदीप कौर, अंकुर तिवारी और कुणाल गांजावाला ने। 3 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्यार एक हिम्मत है वाग। इस गीत को गाया है
विशाल शेखर ने 3 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। फिल्म के अंदर साउंड ट्रैक की लंबाई 26 मिनट और 5 सेकंड का ही है, पूरा साउंड ट्रैक है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। पुरस्कार, नौवें मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, नशे से चढ़ गई मनोनीत। तो इस गीत में जो है अरिजीत सिंह को मनोनीत किया गया था। बेफिक्रे 2016 की एक भारतीय फिल्म, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरां में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है, जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में शेफ है। कई गलत फहमियों और झगड़ों, फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं, जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट आर्थर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया। वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है, जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनिल ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनिल से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और प्लेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है, जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है। फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं जब वे एक क्रम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टी ने शादी करने का फैसला किया है, जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती और वह और धर्म प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग-अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं, वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं।
वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं, जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरस से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरस से कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में दिल्ली का एक लड़का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में वाणी कपूर, भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी पर्यटक गाइड, पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल, एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली अर्डन, धर्म की फ्रांसीसी प्रेमिका। सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा। मेहरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा। नताली के रूप में एलिसा बाचिल्वे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप सहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी। सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्रे को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्रे में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण है और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्रे व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिक करती है जो यशराज कैंकन का गठन करता है।
यह सब वहां है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में है, बाकी में यह नीरस और परिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को भी अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ, बेफिक्री को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी, बकवास और समय की बर्बादी सभी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्ण अनुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं, उसे बेफिक्रे बेफिक्रे के क्रिक कहे बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन 130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी बेफिक्रे ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर हो गया। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का शुद्ध संग्रह 602.6 मिलियन US में 2023 में 870 मिलियन या US में 11 मिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक शुद्ध संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की। 2023 में दुनिया भर में 1.9 बिलियन या US में 23 मिलियन के बराबर, भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, इसमें 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत।
पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने भी विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थी। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग, सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 पर आता है नशे सी चढ़ गई रे। इस गीत को गाया अरिजीत सिंह, कैरालिसा मोंटेरो ने। इस गीत की लंबाई 3 मिनट और 58 सेकंड है। नंबर 2 पर आता है उड़े दिल बेफिक्रे। इस गीत को गाया है बेनी दयाल ने। 3 मिनट और 51 सेकंड का यह गीत है। नंबर 3 पर आता है जेताई में। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और स्मृति चौहान ने। 4 मिनट और 1 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है अब मुझे। इस गीत को गाया निखिल डिसूजा, राचेल वर्गीस ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है लंबो का कारोबार। इस गीत को गाया पामोर ने। 3 मिनट और 55 सेकंड का यह गीत है। नंबर 6 पर आता है खुल के जुल डुल के। इस गीत को गाया है गिप्पी ग्रोवर, हर्षदीप कौर, अंकुर तिवारी और कुणाल गांजावाला ने। 3 मिनट और 15 सेकंड का यह गीत है। नंबर 7 पर आता है प्यार एक हिम्मत है वाग। इस गीत को गाया है विशाल शेखर ने। 3 मिनट और 47 सेकंड का यह गीत है। फिल्म के अंदर साउंड ट्रैक की लंबाई 26 मिनट और 5 सेकंड का ही है। पूरा साउंड ट्रैक है। और अब बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। पुरस्कार, नौवें मिर्ची संगीत पुरस्कार वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, नशे से चढ़ गई मनोनीत। तो इस गीत में जो है अरिजीत सिंह को मनोनीत किया गया था। बेफिक्रे 2016 की एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरा में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है, जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलत फहमियों और झगड़ों, फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरा में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं, जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट आर्थर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया।
वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है, जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनी ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनी से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और प्लेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है, फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं, जब वे एक क्रम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टीन ने शादी करने का फैसला किया है, जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती, और वह और धर्म प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग-अलग लोगों से शादी करने जा रही हैं। वे अभी भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वे संगीत समारोह में आमने सामने नृत्य करते हैं, जिससे दोस्तों के रूप में उनका मेल मिलाप हो जाता है। धर्म चुपके से सायरा से कहता है कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है और उसे रोकना भी चाहता है। बातचीत के दौरान दोनों को एहसास होने लगता है कि वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि शादी के दिन धर्म शादी रोकने में कामयाब हो जाता है और सायरा से कहता है कि वह सच्चा प्यार करता है और उसका दोस्त नहीं बन सकता। अंत शादी में एक लंबी लड़ाई के बाद, जहां दोनों अपने अपने साथियों को छोड़ देते हैं, धर्म और सायरा अपने विवाह समारोह से भाग जाते हैं। धर्म सायरा को उससे शादी करने की चुनौती देता है, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। फिल्म धर्म और सायरा की शादी के साथ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कास्ट की। रणवीर सिंह धर्म गुलाटी के रूप में दिल्ली का एक लड़का, जो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर बनाने के लिए पेरिस चला गया। सायरा गिल के रूप में वाणी कपूर, भारतीय मूल की एक फ्रांसीसी पर्यटक गाइड, पेरिस में जन्मी और पली बड़ी। अनेक के रूप में अरमान रहल, एक निवेश बैंकर जो सायरा से शादी करना चाहता है। क्रिस्टीन के रूप में जूली अर्डन, धर्म की फ्रांसीसी प्रेमिका। सायरा के पिता जोगिंदर जोगी गिल के रूप में आकर्ष खुराना। सायरा की माँ जूही गिल के रूप में आयशा रजा मिश्रा, मेहरा के रूप में अरु कृष्णन वर्मा, नताली के रूप में एलिसा बाचिरबे। उत्पादन विकास। इस फिल्म की घोषणा यशराज फिल्म्स ने सितंबर 2015 में चोपड़ा निर्देशक में वापसी के रूप में की थी, जो दिसंबर 2016 में रिलीज होने वाली अक्टूबर 2015 की यह घोषणा की गई कि रणवीर सिंह और वाणी कपूर को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाएगा। दिसंबर 2015 में यशराज फिल्म्स की घोषणा की। फिल्म के गाने विशाल शेखर द्वारा संगीतबद्ध किए जाएंगे और गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे जाएंगे। दोनों लगभग 9 वर्षों के बाद बैनर के साथ सहयोग करने के लिए लौटेंगे। मार्च 2016 में फरहान अख्तर और रीमा कादगी द्वारा लिखित जोया अख्तर की अगली फिल्म के निर्देशक के लिए एक्सले एंटरटेनमेंट द्वारा साइन किए जाने के बाद सिंह को यशराज फिल्म्स के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष का सामना करने की खबरें थी।
सिंह ने पहले वित्तीय वर्ष 2016 की पूरी की दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों बेफिक्रे इसके पेरिस और मुंबई शेड्यूल सहित को आवंटित की थी। अख्तर की आगामी यात्रा डायरी परियोजना के लिए सिंह को उसकी अवधि में भारत के सभी 29 राज्यों में फिल्म बनाने की आवश्यकता है। फिल्म की बड़े पैमाने पर शूटिंग पेरिस में की गई थी। इसे 50 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। बेफिक्रे 1900 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जिसमें घरेलू बाजार में 2100 स्क्रीन और अंतर्राष्ट्रीय अतिरिक्त 800 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। बेफिक्रे को आमतौर पर आलोचकों से मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी और कहा, बेफिक्रे में कुछ ईमानदार मजेदार क्षण है और शैली को उन्नत करने का प्रयास स्पष्ट है, लेकिन आप कुछ भी नया लेकर नहीं आते। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और टिप्पणी की, बेफिक्र व्यावहारिक रूप से हर एक बॉक्स पर टिक करती है जो इस राज केंकन का गठन करता है। यह सब वहाँ है और फिर भी बेफिक्रे कभी भी अपनी चमकदार सतह से ऊपर नहीं उठ पाता। इसमें सर्वोत्तम क्षण, इसमें चमक है, लेकिन वे कुछ और बीच में हैं। बाकी में यह नीरस और परिचित रहता है। रसी मनसंत ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि फिल्म में वास्तविक भावना की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि सबसे घृणित रोम काम को अपने पात्रों को आपको निवेशित रखने के लिए कुछ वास्तविक की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूँ, बेफिक्री को 5 में से 1.5 अंक मिले। आदित्य चोपड़ा ने भले ही हिंदी सिनेमा की सबसे थाई प्रेम कहानियों में से एक बनाई हो, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जो पत्थर की तरह डूब जाती है। राजा सिंह ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और कहा, ऐसे समय में जब हमारा मुख्य धारा सिनेमा बड़ा होना शुरू हो रहा है, बेफिक्रे दर्दनाक रूप से बचकानी, बकवास और समय की बर्बादी सभी साबित होती है। इसकी शुरुआत तीखी होती है, पूर्ण अनुमानित हो जाता है और अराजक को हो जाता है। जिस युवा भाषा को बोलने का प्रयास आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं, उसे बेफिक्रे के क्रे कहे बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने पहले दिन 130.6 मिलियन का कलेक्शन किया और यह 2016 की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। यह फिल्म पद्मावत के बाद रणवीर सिंह की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई। रामलीला गुंडे और बाजीराव मस्तानी बेफिक्रे ने अपनी रिलीज के बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 116 मिलियन, 2023 में 170 मिलियन और 124.7 मिलियन एकत्र किए। इससे पहले घरेलू सप्ताह का शुद्ध संग्रह 344.3 मिलियन तक पहुंच गया और 2016 की 11वीं सबसे अधिक घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। अगले 4 दिनों में फिल्म ने 143.2 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे इसके पहले घरेलू सप्ताह का कुल शुद्ध संग्रह 487.5 मिलियन के बराबर हो गया। बेफिक्रे उस वर्ष की 12वीं सबसे अधिक प्रथम घरेलू सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन। भारत में
सप्ताह संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। भारत में फिल्म का सुप्त संग्रह 602.6 मिलियन US में 2023 में 870 मिलियन या US में 11 मिलियन के बराबर है, जो 2016 में भारत में 16वीं सबसे अधिक सुप्त संग्रह करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जबकि इसने 1.3 बिलियन की कमाई की 2023 में। दुनिया भर में 1.9 बिलियन या US में 23 मिलियन के बराबर, भारत में 602.6 मिलियन कुल शुद्ध संग्रह के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा औसत घोषित किया गया। फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और यशराज फिल्म्स के लिए 500 मिलियन में 720 मिलियन, इसमें 9.0 मिलियन के बराबर का मुनाफा कमाया। यह फिल्म पहले दिन विदेशों में 2900 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और 164.8 मिलियन, 2023 में 240 मिलियन, यस में 3.0 मिलियन के बराबर का कलेक्शन किया और यह वर्ष की 15वीं सबसे अधिक विदेशी कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। गीत और संगीत। पूरा साउंडट्रैक एल्बम 1 दिसंबर 2016 को YRF म्यूजिक द्वारा जारी किया गया। गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे और मिकी मैकलेरी द्वारा निर्मित थी। फिल्म का स्कोर मिकी मैकलेरी द्वारा तैयार किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग। सभी गीत जयदीप साहनी द्वारा लिखे गए हैं। इस फिल्म में 7 गीत हैं। नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो अपने दोस्त मेहरा के बर्बाद रेस्तरां में काम करता है। अपने ब्रेकअप की रात वह रिश्तों में लोगों का मजाक उड़ाता है और अकेले ही रहने की प्रशंसा करता है। फिल्म उस समय की याद दिलाती है जब धर्म पहली बार काम और रोमांस की तलाश में पेरिस आया था। उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ऐसी लड़की के साथ अपना कमरा साझा करता है जो समलैंगिक है। मेहरा उसे एक पार्टी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात मौज मस्ती करने वाली टूरिस्ट गाइड सायरा से होती है, जिसके माता पिता भारतीय हैं लेकिन उसका जन्म और पालन पोषण फ्रांस में हुआ था। बाद में वह सायरा को डेट पर चलने के लिए कहता है। अगर वह एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने की उसकी हिम्मत स्वीकार कर लेता है तो वह उसके साथ डेट पर जाने का वादा करती है। वह ऐसा करता है और वे डेट करना शुरू कर देते हैं। अपने रिलेशनशिप के दौरान वे एक दूसरे को क्रेजी डेयर देते हैं। आखिरकार जोड़े के ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया और धर्म की मुलाकात सायरा के माता पिता से होती है, जो अपने ही भारतीय रेस्तरां में सेफ है। कई गलत फहमियों और झगड़ों, फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए झगड़े सहित के बाद सायरा बाहर चली जाती है और अपने परिवार के साथ वापस रहने लगती है। वर्तमान में धर्म अभी भी उसी रेस्तरां में अपने टूटे हुए रिश्ते का मजाक उड़ा रहा है। आने वाले महीने के दौरान धर्म और सायरा आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं, जिसे पता चलता है कि वे अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं और एक दूसरे की कंपनी को मिस करते हैं। आखिरकार उन्होंने फिर से दोस्त बनने और पोर्ट डेट आर्टर ब्रिज पर अपनी ब्रेकअप की सालगिरह मनाने का फैसला किया। वे दोबारा एक दूसरे से प्यार में न पड़ने की कसम खाते हैं और ब्रेकअप का ताला बांध लेते हैं। सायरा एक निवेश बैंकर अनिल को डेट करना शुरू कर देती है, जबकि धर्म एक फ्रांसीसी मॉडल क्रिस्टीन
को डेट करना शुरू कर देता है। वे पेरिस के बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं। पेरिस वापस आने के बाद अनी ने सायरा को प्रपोज किया। सायरा अनी से इस बारे में सोचने के लिए उसे समय लेने के लिए कहती है और पैलेस डेट वोस गेट पार्क में धर्म से उसकी सलाह मांगती है। जबकि धर्म सायरा को खोने से डरता है, फिर भी वह उसे अनी से शादी करने और खुश रहने की सलाह देता है। सायरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, जबकि धर्म गुप्त रूप से दुखी महसूस करता है। धर्म और सायरा दोनों एक दिन तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं, जब वे एक क्रम चर्चा में पड़ जाते हैं। जब वह उसे बताता है कि उसने और क्रिस्टी ने शादी करने का फैसला किया है, जिसे सायरा स्वीकार नहीं करती, और वह और धर्म प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जल्द ही धर्म और क्रिस्टीन दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। यह जानते हुए कि धर्म और सायरा दोनों अलग-अलग लोगों से